क्लास 12 3.1 क्वेश्चन 7 है, फाइंड ए बी सी एंड डी। देखिए कैसे करेंगे। एज द मैट्रिसेस आर इक्वल, देयर कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी उधर ले जाइए, 2a इज इक्वल टू, ठीक है, पुट 2a इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करोगे आप, 1 में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, और b की जगह हमने लिख लिया 2a, तो माइनस ए इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए हमारा b इज इक्वल टू 2a, तो b इज इक्वल टू 2 × 1, b इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ गया, b भी आ गया और a भी आ गया। ठीक है, नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, a कितना है 1, 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 उधर ले जाइए, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3। तो c कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब देखिए पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्या कहती है, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3, प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर फोर ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 and d is equal to 4. This is the required answer.